हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको लूसेंट के जीके करा रहे थे। ये लूसेंट आपके डिटेल वाला पार्ट है, हम इसका हिस्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपके कई सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और हिस्ट्री का, जैसे कि आपको पता है, लूसेंट की दो बुक्स हैं आपकी, है ना। एक तो आपकी डिटेल में है जिसे हम अभी कर रहे हैं, और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। तो पहले हम डिटेल वाली करेंगे, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जब हिस्ट्री वाला, ठीक है। अभी हम हिस्ट्री वाला पोर्शन इसका कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगी वस्तुनिष्ठ वाली से, ठीक है। तो हम यहाँ तक कर चुके थे, आज हम इसके आगे का करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, आज हम सिकंदर से करेंगे इसको, ठीक है। सिकंदर वाले पार्ट आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे, उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप की करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो आज हम सिकंदर से स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये जो फिलिप थे, सिकंदर के पिता थे, ये 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया, नाम आप याद रखेंगे, मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। सिकंदर के जो पिता फिलिप थे वो मकदूनिया के शासक बने थे, ठीक है। कब बने थे? 359 में, और इनकी मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हो गई थी, इनके पिता की मृत्यु, ठीक है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर जो थे वो किसके शिष्य थे, तो आप क्या बताएंगे? ये अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के स्टूडेंट थे, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ठीक है। सिकंदर के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने भारत विजय का, भारत को जीतने का, ठीक है, भारत विजय का इन्होंने अभियान स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था? 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था, ठीक है। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर था, वो कौन था? सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है। सिकंदर ने युद्ध किसके साथ किया था? पंजाब के शासक पोरस के साथ, ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध का झेलम विस्तार का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि वहां झेलम नदी होगी, ठीक है। तो झेलम विस्तार का युद्ध भी कहा जाता है, और इसे हाई डेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। हाई डेस्पीज के युद्ध का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि सिकंदर ने पोरस से किया था, पंजाब के जो शासक थे। पोरस क्या थे? पंजाब के शासक थे, ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, जो सिकंदर थे, इनकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ये नदी आप याद रखेंगे कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने के लिए इनकार किया था, तो वो ब्यास नदी थी, ठीक है। ब्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना ने उन्हें मना कर दिया था, ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गए, ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग से लौट गए, क्योंकि उनकी सेना ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो सिकंदर जो थे, ये स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चले गए, ठीक है, ये वापस चले गए। फिर सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। सिकंदर की जो मृत्यु है, तो वो 323 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई? बेबीलोन में,
ठीक है, बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, वो सिर्फ मात्र वो 33 वर्ष के उस टाइम थे, ठीक है, केवल वो 33 वर्ष के थे उस समय उनकी बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, किस उम्र में हो गई थी, 23, वो मात्र 23 वर्ष के थे उस टाइम, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति, जो सिकंदर का जल सेनापति था उसका क्या नाम था, निर्याकस, ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, निर्याकस इसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसको आप एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखना, फिर जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, है ना, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी, घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। अब आप देखिए, चाणक्य की योजनाओं के कारण ही जो चंद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त मौर्य बन के उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है, चंद्रगुप्त की चाणक्य की योजनाओं के कारण ही उन्होंने अपनी योजनाओं से अपनी बुद्धि से ही उन्हें राजा बनाया था, ठीक है। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, और चाणक्य जो थे वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, जो चाणक्य थे उन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, के द्वारा लिखित पुस्तक, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन्होंने अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, ठीक है, जिसका संबंध राजनीति से है। इनकी किताब जो है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, इसका संबंध राजनीति से है, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे वो मगध की गद्दी पर कब बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे, जो चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, चंद्रगुप्त किस धर्म को मानते थे, चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना आखिरी समय, अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था, किसने हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था, कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर जो उनकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी, ठीक है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, कार्नेलिया था, और कार्नेलिया की शादी इन्होंने चंद्रगुप्त से कर दी थी। और युद्ध की संधि, और युद्ध की जो जितनी भी शर्तें थी, संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत, ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त को क्या दिया था, चार प्रांत दिए थे, काबुल, गंधार, हेरात और मकराना,
ठीक है। इन्होंने कितने प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त को? काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त को दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। और अपनी पुत्री कर्नेलिया की इनसे शादी भी कर दी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो किससे ली थी? गुरु भद्रबाहु से, ठीक है। जो जैनी गुरु भद्रबाहु थे, तो जैनी गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। जो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, ठीक है। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आप याद रखेंगे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है, ठीक है। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, ठीक है। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है। आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें इसी वीडियो में याद हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जब हम वस्तुनिष्ठ वाली करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाली करेंगे, तब तो आपको सभी याद हो जाएंगी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन इनका वर्णन किसमें मिलता है? एपियाइनस में मिलता है, ठीक है। इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुए थे, इनका जो वर्णन है, इसकी जानकारी है, वो किसमें मिलती है? एपियाइनस में मिलती है, ठीक है। एपियाइनस में मिलती है। प्लूटार्क के अनुसार, अगर हम प्लूटार्क की बात करें, तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। इन्होंने बोला है, इन्होंने बताया है, प्लूटार्क ने बताया है, इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उत्तराधिकारी थे। अब इनके बाद बिंदुसार आए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार, ठीक है, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। कब बैठे थे? 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठे, ठीक है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है, ठीक है। बिंदुसार को और किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। अमित्रघात का क्या मतलब होता है? शत्रु विनाशक, ठीक है। बिंदुसार अजात संप्रदाय का अन्यायी था, ठीक है, सॉरी अजीवक, ठीक है। जो बिंदुसार थे वो किसके अन्यायी थे? किसको मानते थे? किस संप्रदाय को मानते थे? वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु प्राण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है, ठीक है। ये वायु पुराण की बात की जा रही है। अगर पूछा जाए आपसे कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? भद्रसार, ठीक है। भद्रसार या वारीसार इन्हें कहा गया है। किसमें कहा गया है? वायु पुराण में, ठीक है। स्त्रेवों के अनुसार सीरियन नरेश, जो इनके अनुसार सीरियस, ठीक है, एंटियोकस चौथे ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस
नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, इस द्रेबो के अनुसार, ये बात इस द्रेबो ने कही है, इस द्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश थे, सीरियन के जो राजा थे एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार पे डाइमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, डाइमेकस नामक अपना राजदूत इन्होंने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था, जो कि सीरियन नरेश थे, वहां के राजा थे। इसे ही मेगस्तनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, और इन्हें क्या माना जाता है, डाइमेकस को क्या माना जाता है, मेगस्तनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, मेगस्तनीज का उत्तराधिकारी इन्हीं को माना जाता है, डाइमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। ये जैन धर्म, देखिए इनके नाम अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से मिल रहे हैं, तो जैन धर्म बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, बिंदुसार का जब शासन काल था, इनके शासन काल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए हैं, जिनका वर्णन मिलता है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, बिंदुसार ने दोनों विद्रोहों को दबाने की कोशिश की है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो सुसीम को भेजा, ठीक है, और बाद में फिर अशोक को भेजा कि इन विद्रोहों को दबा दिया जाए, जो दो विद्रोह हुए हैं तक्षशिला में, इन्हें दबाने के लिए। ठीक है, एथिनियस के अनुसार, ठीक है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस एक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, ये एथिनियस जो है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने, ठीक है, ये बात एथिनियस ने कही है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश, ठीक है, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट से इन्होंने मदरा, ठीक है, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, बुद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, जो बौद्ध विद्वान थे तारासार, बौद्ध के विद्वान कौन थे, तारासार जो थे, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, बौद्ध सम्राट तारासेन का नाम आप याद रखेंगे, जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, बिंदुसार के बाद अब कौन आया है, अशोक। ठीक है, अशोक बिंदुसार के बेटे थे, तो अब इसके बाद आए हैं अशोक। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, अशोक महान। ठीक है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुए हैं, और 259 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, अशोक 259 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे हैं, और ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बिंदुसार के बेटे थे। राज गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक राजगद्दी पर बैठे हैं, उस समय भी अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, मार्क्सकी एवं गुर्जरा, ठीक है, मार्क्सकी एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, दो ऐसे अभिलेख हैं, एक तो मार्क्सकी अभिलेख है, ठीक है, मार्क्सकी अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। जहां पे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था।
ठीक है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया, और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस, ठीक है, डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में, ठीक है। ये बात पिलनी ने कही है, ये पिलनी का कथन है, ठीक है, ये पिलनी का कथन है कि इन्होंने कहा है कि मिस्र के जो राजा थे, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, ठीक है, फिलाडेल्फस जो मिस्र के राजा थे, जिन्हें टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, इन्होंने पाटलिपुत्र में, ठीक है, डियानीसियस, ठीक है, डियानीसियस नाम के अपने एक राजदूत को भेजा था, जो कि वो अशोक के दरबार में आए थे। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त नामक कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने अशोक को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने, ठीक है, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया था, ठीक है। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है, उन्होंने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, ठीक है। वो गुफाएं क्या क्या थी? जिनके नाम थे कर्ज और चोपात, सुदामा, विश्व झोपड़ी। इनके इन्होंने क्या क्या नाम रखे थे? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं थी जो कि अशोक ने बनवाई थी बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी, ठीक है। अशोक के जो पौत्र थे, ठीक है, अशोक के पौत्र ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा दी थी, ठीक है। अशोक के पौत्र ने आजीविकों को क्या दी थी? नागा अर्जुन गुफा दी थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। इनकी अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, ठीक है, सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, इनके पुत्र महेंद्र थे, और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये बात आप याद रखेंगे, जहां में पूछी जाती है, ठीक है। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ठीक है। भारत में जो शिलालेख प्रचलित हुए थे, ये अशोक के टाइम में सबसे पहले हुए थे, ठीक है। भारत में जो शिलालेख प्रचलित हुए हैं, सबसे पहले किसके टाइम में हुए हैं? अशोक के टाइम में, ठीक है। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। इन्होंने किन किन लिपियों का प्रयोग किया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, इन्होंने इन लिपियों का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में, ठीक है। इन लिपियां आप याद रखेंगे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, ये लिपियां हैं जो अशोक ने अपने शिलालेखों में जिनका उल्लेख किया है। ग्रीक और अरमाइक जो लिपि है, ग्रीक और अरमाइक का अभिलेख अफगानिस्तान में
और खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अब आप ये याद रखेंगे जो ग्रीक और अरमाइक लिपि जो लिखी गई है, ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि के। ठीक है, खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। और शेष जो लिपि थी उसके, शेष जो ब्राह्मी लिपि है उसके अभिलेख कहाँ मिले हैं? उसके अभिलेख भारत में मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों पर तीन भागों में बांटा गया है। जो अशोक के अभिलेख है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरे है स्तंभ लेख, दूसरा क्या है? स्तंभ लेख। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख। और तीसरा क्या है? गुहा लेख। ये तीनों लेखों के आप नाम याद रखेंगे, गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। ठीक है, तो ये इनके तीन अभिलेख हैं जो तीन हिस्सों में बांटे गए हैं, तीन पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फिनथेलर ने की थी। ठीक है, अशोक की जो शिलालेख, इनकी खोज कब हुई है? 1750 में। ठीक है, और किसने की है? पाद्रेटी फिनथेल। ठीक है, पाद्रेटी फिनथेल ने इनके शिलालेखों की खोज की है। कब की है? 1750 में। ठीक है, इसकी संख्या 14 है, इनके अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 इनके शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने का सबसे पहले सफलता किसने कब हुई, प्राप्त की गई है? सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख हैं पढ़े जा चुके हैं, पढ़े गए हैं, वो कब पढ़े गए? 1837 में। किसने पढ़े हैं? जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है 1837 में। ठीक है, 1837 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अशोक के अभिलेखों, जो अशोक के अभिलेख थे, अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली है? जेम्स प्रिसेप को मिली है। कब इन्होंने पढ़े हैं इनको? इनको इन्होंने पढ़ा है 1837 में। ठीक है, अब अशोक के मुख्य शिलालेख एवं उनके वर्णन। अब यहाँ पे अशोक के सारे जो 14 शिलालेख इनके हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं और उनका वर्णन यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। पहला इनका शिलालेख है जिसमें पशुओं की जो पशु बलि है उसकी निंदा की गई है। ठीक है, अशोक ने जो अपना पहला शिलालेख लिखा है उन्होंने उसमें लिखा है कि जो पशुओं को, पशुओं की जो बलि दी जाती है उसको उन्होंने गलत बताया है, उसकी निंदा की है। ठीक है, तो पशु बलि की निंदा की है उन्होंने अपने पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सक व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, अपने दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अशोक ने उसमें लिखा है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है, मतलब दोनों के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तीसरे शिलालेख में बताते हैं कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर पांचवें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ठीक है, इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये जो इनका तीसरा शिलालेख है इसमें इन्होंने कहा है कि जो राजकीय अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो राजकीय अधिकारी हैं उनको इन्होंने आदेश दिया है कि वे हर पांचवें वर्ष में, ठीक है, हर पांचवें वर्ष में वो, पांचवें वर्ष के उपरांत वो दौरा करें। ठीक है, दौरा करके पता करें कहाँ क्या समस्याएं हैं। और इन्होंने, इनके शिलालेख में इन्होंने कुछ धार्मिक नियमों की बात भी की है अपने तीसरे शिलालेख में। ठीक है, तो इन्होंने तीसरे शिलालेख में क्या क्या कहा है? एक तो इन्होंने कुछ धार्मिक नियमों की बात की है तीसरे शिलालेख में, और दूसरा इन्होंने अपने जो राजनीतिक अधिकारी हैं इन्हें आदेश दिया है कि ये हर पांचवें वर्ष में दौरा करें। ठीक है, पांच वर्ष के बाद ये दौरा करें। चौथे शिलालेख में,
चौथे शिलालेख में अभी इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, चौथे शिलालेख में इन्होंने भेरी घोष की जगह किसकी घोषणा की है, धम घोष की। ठीक है, भैरी घोष की जगह इन्होंने धम घोष की घोषणा की है। अपने चौथे शिलालेख में भैरी घोष की जगह इन्होंने किसकी घोषणा की है, धम घोष की घोषणा की है। ठीक है, पांचवें शिलालेख में, अब पांचवें शिलालेख में इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों, ठीक है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, पांचवें शिलालेख जो इनका है इसमें क्या जानकारी मिलती है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, छठे शिलालेख में, इनका छठा शिलालेख, इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, जो इनका छठा शिलालेख है इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें आत्मा को नियंत्रण करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने अपने छठे शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी है। सातवां शिलालेख, ठीक है, सेवन और एट, सात और आठ, सातवां और आठवां जिनका शिलालेख है इसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। ठीक है, अशोक ने अपने सातवें और आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं की बात की है। ठीक है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख इन्होंने अपने छठे सातवें और आठवें शिलालेख में किया है। नौवां शिलालेख, नौवें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनका जो नौवां शिलालेख है इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। ठीक है, अशोक ने अपने नवे शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, ठीक है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, भेंट मतलब गिफ्ट जो देते हैं, ठीक है, शिष्टाचार आदर सम्मान। नेक्स्ट है दसवां शिलालेख, दसवें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की सोचे। ठीक है, अपने दसवें शिलालेख में अशोक ने ऐसा आदेश दिया है। ठीक है, अशोक ने ऐसा आदेश दिया है अपने दसवें शिलालेख में कि जो राजा है और उच्च अधिकारी जो है, ठीक है, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की बात सोचे। ठीक है, अपने दसवें शिलालेख में इन्होंने कहा है कि जो राजा है और उच्च अधिकारी है वो हमेशा ही प्रजा के भले की बात सोचे, प्रजा के हित की बात सोचे। ग्यारहवें शिलालेख में, ग्यारहवें शिलालेख में इन्होंने कहा है कि धम्म की व्याख्या की है। ठीक है, अपने ग्यारहवें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। ठीक है, इनके ग्यारहवें शिलालेख में किसकी व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, बारहवां शिलालेख, इनका जो बारहवां बारह शिलालेख है, बारहवें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है, अब इनका जो बारहवां शिलालेख है इसमें इन्होंने स्त्री महामंत्रों, ठीक है, जो स्त्री औरतों की भर्ती की बात की है, औरतों की नियुक्ति की बात की है, स्त्री महामात्रों, ठीक है, स्त्री महामात्रों की बात इन्होंने की है कि स्त्री महामात्र नियुक्त होने चाहिए। ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की है इन्होंने अपने बारहवें शिलालेख में, और इन्होंने अपने बारहवें शिलालेख में कहा है कि सभी प्रकार के विचारों को सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बारहवें शिलालेख में कहा है कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान होना चाहिए और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये बात इन्होंने बारहवें शिलालेख में कही है अशोक ने। अब इनका तेरहवां शिलालेख है, इसमें क्या इन्होंने कहा है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अशोक का जो तेरहवां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। ठीक है, देखिए तेरहवां इनका शिलालेख है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इनके तेरहवां जो शिलालेख है इनका है इसमें कलिंग युद्ध की बात की गई है, कलिंग के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है, और इसी युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था।
ठीक है। तो इसी 13वें शिलालेख में ही इनके हृदय परिवर्तन की भी बात की गई है और पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन इनके 13वें शिलालेख में ही हुआ है, ठीक है। 14वां शिलालेख, 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अब इनका जो आखिरी और 14वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी है, ठीक है। अपने 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है, इसी प्रेरणा दी है। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ठीक है। अभी तो हमने शिलालेखों की बात की थी, अब इनके जो स्तंभ लेख हैं, इनके स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आप इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इसके लिए पहली बात तो आप ये याद रखिए कि जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो 7 हैं, ठीक है। और इनके स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं और इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये जो इनके 7 स्तंभ हैं वो अलग अलग स्थानों से मिले हैं, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौसाम्बी में स्थित था। जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये पहले कहाँ था? ये पहले कौसाम्बी में था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया, ठीक है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसे, वो पहले कौसाम्बी में था और बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि पहला जो प्रयाग स्तंभ है वो पहले तो कौसाम्बी में था और बाद में क्या हुआ कि बाद में अकबर ने उसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया, ठीक है। मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से थोड़ा एक दो बार वीडियो देखेंगे तो काफी चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। दिल्ली टोपरा, नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा, ठीक है। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, ठीक है। जो दिल्ली टोपरा इनका अभिलेख है, स्तंभ है, सॉरी, जो दिल्ली टोपरा इनका स्तंभ है वो यहाँ कहाँ पे था? फिरोज शाह तुगलक जो थे वो उन्हें टोपरा से दिल्ली लेकर आए थे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक इनके दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है इसके, इसे वो टोपरा से दिल्ली लाए थे। टोपरा से दिल्ली कौन लेकर आया है? इसे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली टोपरा जो इनका स्तंभ है उसे टोपरा से दिल्ली कौन लाया है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ, ठीक है। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ जो था वो कहाँ था? पहले तो मेरठ में ही था, ठीक है, मेरठ में था। बाद में फिरोज शाह जो थे वो उसे दिल्ली लेकर आए, ठीक है। बाद में इसे फिरोज शाह कहाँ लेकर आए, ठीक है। इनका नेक्स्ट लेक्स का इनका अभिलेख क्या है? रामपुरवा, ठीक है। नेक्स्ट इनका चौथा अभिलेख है, ये स्तंभ है और इनका चौथा स्तंभ क्या है? रामपुरवा, ठीक है। ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार, देखिए ये वाला कहाँ पर है? चंपारण बिहार, बिहार चंपारण जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो चंपारण बिहार में स्थापित है ये वाला इनका अभिलेख, राम पूर्वा अभिलेख है वो कहाँ पे है? चंपारण में है, चंपारण बिहार में, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, ठीक है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। किसने की थी इनकी खोज? इसकी खोज कार्लाइल, ठीक है। इसकी खोज कार्लाइल ने की थी, कब की थी? 1872 में की थी, ठीक है। कौन से अभिलेख की? रामपुरवा अभिलेख की, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और किसने की थी? कार्लाइल ने। इस बात नेक्स्ट आपका फिफ्थ अभिलेख, फिफ्थ जो इसका है स्तंभ है वो कौन सा है? लौरिया, ठीक है। फिफ्थ कौन सा है? लौरिया अरेराज, ठीक है। लौरिया अरेराज ये भी कहाँ है? चंपारण में है। अब ये देखिए लास्ट के जो आपके तीन है,
ये 4, 5 और 6 ये तीनों बिहार चंपारण में है, ठीक है। तो लौरिया ये लास्ट वाले सारे बिहार के में है, तो ये एक साथ आप याद करिएगा, ठीक है। तो ये तो एक तो रामपुरवा हो गया और लौरिया, ठीक है, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़, ठीक है, नंदनगढ़, ये सारे बिहार में है। इस स्तंभ में और जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, इस स्तंभ में मोर का चिन्ह मिला है। ये देखिए खास हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मोर का चिन्ह किसमें मिला है, तो मोर का चिन्ह किसमें मिला है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण बिहार में है, इसमें मोर का, इस वाले स्तंभ में मोर का चिन्ह मिला है, ठीक है। और लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है, ठीक है। और रामपुरवा भी, रामपुरवा ही कहाँ है, चंपारण बिहार में है। इनके खोजकर्ता को याद करिएगा, खोजकर्ता का नाम दिया है ना, रामपुरवा में, रामपुरवा की खोज कब हुई थी, 1872 में हुई थी, और किसने की थी, कार्लायक ने, ठीक है, कार्लायक ने की थी। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी अशोक वाला अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इसका हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन और करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा फिर, तो यहाँ से दूसरे वीडियो में कर लेंगे, ठीक है बेटा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।